हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं भाई आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है सनफ्लावर पर, यानी कि सूरजमुखी पर। तो उसके लिए आज हम इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं अभी। और सबसे पहले दोस्तों, हमको कल्टीवेटर चाहिए। कल्टीवेटर अलग से चाहिए, क्योंकि जो सनफ्लावर है वो दूसरे सीडर में नहीं आती है। जो ट्रक भाई इसको बाय कर रहा हूँ, और एक जे वाला, जी सबसे बड़ा भाई टैंक है, जो ट्रैक्टर नहीं टैंक ही है जे। और ये वाला ब्लैक कलर का जो आता है हार्वेस्टर, इसको बाय कर लें। और एक ट्रक भी चाहिए वैसे हमको, और वो भी चाहिए यार, ये वाला बड़ा ट्रेलर। एक ट्रेलर हो गया, और अभी एक ट्रक, ये हम खरीदने वाले पीटरबिल्ट। तो अभी ये हमने सामान खरीद लिया भाई, ये सारा सामान हम खरीद चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं खेती। तो थंबनेल के लिए दोस्तों पिक्चर हमने ले ली है, और ये हमारा नया टैंक। देखो भाई, ये पूरा टैंक की तरह ही चलता है, और स्प्लिट है, मतलब पीछे वाला अलग घूमता है, आगे अलग रहता है इसका। काफ़ी देखने में भाई अच्छा है यार ट्रैक्टर। और ये तो चलो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है ही, फेंडेंट वाला। तो ये इसके मैं कल्टीवेटर जुड़ा हुआ है दोस्तों इसके साथ मैंने, तो इसको कल्टीवेटर पे लगाने वाला हूँ अभी। और साथ में ही हम सीडर लगा देंगे इसके, ताकि साथ में ही ये जल्दी काम निपट जाए हमारा, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे हमारा। और भाई आज हम जो बीजने वाले हैं, जो हम वो है सूरजमुखी, यानी सनफ्लावर भाई। और सनफ्लावर की आज हम खेती करने वाले हैं, और ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, और वाह देखेंगे आज हम। वैसे थे तो हमने आज बड़े पैसे लगा दिए भाई, पहले ही 20 लाख रुपए लगाए हैं अभी हमने, जो जे खरीदा है ना हमने, बाई किया है इक्विपमेंट इतना सारा। पर इसका ये है भाई, अभी ना हमको ये बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ ही आ जाता है। आप जो भी फसल बीजना चाहते हो आप बीज सकते हो। और अभी दोस्तों ये वाले हार्वेस्टर से हम क्रॉप करने वाले हैं इसको। तो आज का थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ, ताकि ज़्यादा लंबा ना बने भाई, ताकि आप भी पूरा देख सको। तो इसीलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे है। और ये वाला हमारा नया हार्वेस्टर है, ब्लैक कलर वाला, पूरा माफिया हार्वेस्टर है ये, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है भाई। और दूसरा हमारा ट्रक भी अभी लेके आते हैं हम, इसको थोड़ा काट लें। और ये वाला दोस्तों हमारा नए वाला पीटरबिल्ट, और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है भाई। जो हमने ये ट्रेलर खरीदा ना, ये बहुत बड़ा ट्रेलर है, 60,000 टन की इसकी है कैपेसिटी। तो ये फुल नहीं होता जल्दी। और जो ट्रॉली आती है ना ट्रैक्टर के साथ, जो ट्रेलर होता है वो छोटा होता है, वो 45,000 तक ही आता है, 45,000 तक ही आता है उसकी कैपेसिटी जो होती है। तो इसको अभी हम फिल कर लेते हैं, क्योंकि हार्वेस्टर हमारा फुल होने वाला है। और ये ब्लैक कलर का दोस्तों निकलता है क्या, बीज वगैरह पता नहीं क्या है, ये है जो सनफ्लावर। तो इसको दोस्तों फिल होने देते हैं। और इसको भाई एक स्पीड पे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है यार, 10 की स्पीड पे चलता है हार्वेस्टर जब भी वर्किंग में होता है ना। वैसे तो स्पीड ज़्यादा होती है, और जब भी हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग कर रहा होता है तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पे ही रह जाती है, तो वो 10 किलोमीटर पे ही चलता है। और ये हमारा जो ट्रक है, जहाँ कोई भी व्हीकल है ना, इनके पास क्रूज़ कंट्रोल है, मतलब एक स्पीड पे नहीं है, जहाँ तो आप फुल ही कर सकते हो ऑल द वे अप पे, तो आप लगा सकते हो क्रूज़ कंट्रोल, लेकिन बीच में किसी भी स्पीड पे आप नहीं लगा सकते। जो ऑप्शन होना चाहिए था, होता तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ये ऑप्शन, क्योंकि जहाँ तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जहाँ बढ़ती ही नहीं है, इसका ये रहता है एक स्पीड पर मेनटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो चलो फिर भी हमने कर ही लिया है। अरे वाह यार, ये AI हेल्पर बड़ा स्किल्ड लग रहा है मेरे को, क्या भाई इसने बैक किया है डायरेक्ट, वाह।
और वैसे भी दोस्तों हमारे पास ना पैसे बहुत कम रह चुके हैं, इतना खर्चा हुआ है 50-60 लाख रुपए थे, और रोज़ रोज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं नए नए, 10-12 लाख का सामान लग जाता है और प्रॉफिट होता है 50,000, कई बार तो 20,000-25,000 रुपये ही रह जाता है, और दोबारा उसको चलाने का भी मन नहीं करता क्योंकि वैसे ही उसके छोटे छोटे हेडर होते हैं। ये तो चलो हमारा हार्वेस्टर काफ़ी काम आ जाएगा क्योंकि ये काफ़ी सारी फसल पे चलता है ना, जैसे वीट होगी, बार्ली, कनोला, सोयाबीन, ऐसे मतलब 6-7 क्रॉप्स हैं, आप उससे काट सकते हो। तो अभी हम भाई इसको फिल कर लिया है ट्रेलर को, और अभी देखते हैं कहीं पे ज़्यादा रेट चल रहा है इसका सनफ्लावर का। ओके, ये पास में ही है हमारे बायर और इस पे ज़्यादा प्राइस चल रहा है भाई इस टाइम। तो अभी ये फुल भी नहीं हुआ, मतलब क्या बताऊँ, 60 या 65% पर ही, अभी आप देख सकते हो नीचे लेफ्ट साइड पे जहाँ पे सनफ्लावर का लोगो है आ रहा, वहाँ पे आप देख सकते हो जो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। अगर पूरा बढ़ता तो फिर तो बहुत, अभी देख लेते कितने पैसे मिलते हैं हमको, तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा भाई अगर पूरा हम बढ़ के लेके आते तो कितने पैसे मिलते हैं हमको। और दोस्तों जहाँ पे मिल चुका है हमें 60,000 के करीब भाई, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है भाई, 60,000 अगर पूरा होता तो मेरे ख्याल से वो 1 लाख तक चल जाता भाई। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।